तो आज हम लोग स्टैक के बारे में बात करने वाले हैं। स्टैक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अगर कोई डाटा स्ट्रक्चर है तो वो है स्टैक। ये काफ़ी पुराना डाटा स्ट्रक्चर है और काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि स्टैक होता क्या है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। और स्टैक काफ़ी इजी डाटा स्ट्रक्चर भी है और ये काफ़ी यूज होता है। तो चलिए स्टैक के बारे में सबसे पहले तो हम लोग स्टैक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप किसी मैरिज पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक टेबल होती है या कोई एक आपका स्टेज होता है या कोई आपका एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर टेबल प्लेट्स रखी रहती हैं, जो खाने वाली प्लेट्स होती हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होके रखी रहती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई वहाँ से प्लेट उठाना होता है तो वो पहले ऊपर से ही प्लेट को निकालता है और अगर उसको पुश करना होता है तो उसी में प्लेट रखता है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टैक कहते हैं। तो स्टैक बेसिकली क्या है, स्टैक में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एक तरफ से ऐड होते जाएंगे और जब हमें निकालना होगा तो यहीं से निकलेगा, यानी कि जो सबसे लास्ट में आया था सबसे पहले निकलेगा। तो इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरह से ये स्टैक जो है ऑर्गेनाइज होता है। आप इसको टावर ऑफ हनोई अगर आपने देखा हो तो आप उसकी तरह भी यूज समझ सकते हैं। एक कोई टावर है या कोई वैल्यू है, उसमें बहुत सारी रिंग्स जो है पड़ी हुई है, तो ये भी एक स्टैक का ही रिप्रेजेंटेशन है। जब आपको इसमें से कोई रिंग निकालनी है तो आप यही वाले रिंग निकाल सकते हैं, और अगर आपको कोई नई रिंग डालनी है तो आप इसी के ऊपर डाल सकते हैं, यानी कि लास्ट में जो रिंग डाली गई है वो सबसे पहले निकलेगी। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हमारा होता है स्टैक। तो इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें हम लोग बीच में से कोई चीज नहीं निकाल सकते। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन को स्टैक कहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एरे का भी यूज कर सकते हैं। तो अब स्टैक के बारे में देख लेते हैं कि ये यूज कैसे होता है और कहाँ यूज होता है। तो स्टैक लगभग ज्यादातर जगहों पर स्टैक ही यूज होता है। लगभग कंप्यूटर के क्षेत्र में 50% जगह ऐसी हैं जहाँ पे स्टैक का यूज बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप कोई भी कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम ले लीजिए, जैसे आपके पास जो सिस्टम है, जो लैपटॉप होगा उसमें आप देखिए, ब्राउजर ले लीजिए आप, ब्राउजर में आपका जो है स्टैक है। कैसे, एक स्टैक में आपके जो वेब पेजेस होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं। आप जैसे ही वेब पेज पे बैक बटन प्रेस करते हैं यानी कि पीछे वाला, तो पुराना वाला जो वेब पेज होता है वो ओपन हो जाता है, और जैसे ही आप नया लिंक पे क्लिक करते हैं नया पेज चला जाता है। तो होता क्या है, मान लीजिए अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, तो जैसे ही आपने न्यू लिंक पे क्लिक किया तो स्टैक में एक वैल्यू और आ गई, न्यू लिंक पे क्लिक किया तो एक वैल्यू और आ गई, न्यू लिंक पे क्लिक किया तो एक वैल्यू और आ गई, और जैसे ही आप बैक करते हैं तो आप पीछे एक एक करके चले जाते हैं। तो ये स्टैक का यूज ब्राउजर में होता है, इनफिक्स से पोस्टफिक्स नोटेशन में होता है। और आपका सबसे अच्छा अगर इसका उदाहरण देखना है तो रिकर्सन, रिकर्सन में स्टैक का यूज होता है। अगर जब आप कंपाइलर डिजाइन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पार्सर में भी स्टैक का यूज बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा आपके जितने भी सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर या आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स हैं सब में स्टैक का यूज हुआ है। जैसे कि आप कोई एडिटर ले लीजिए, टेक्स्ट एडिटर ले लीजिए, तो आप जैसे कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड, तो क्या होता है कि आप एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। एक इसके थ्रू होता है, स्टैक के थ्रू, क्योंकि आपके सारे ऑपरेशन एक स्टैक में कैप्चर होते हैं, और जैसे ही आप कंट्रोल जेड करते हैं तो वो पीछे चला जाता है, और कंट्रोल वाई करते हैं तो वो रीडू, यानी कि आप एक स्टेप आगे चले जाते हैं, एक नया एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपके जैसे आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर हुए, जैसे फोटोशॉप हुआ, उसमें भी आपका स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इस तरह से स्टैक बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो स्टैक का बेसिक फंडा क्या है कि मान लीजिए एक एरे है, जो एरे को स्टैक की तरह यूज किया गया है,
तो इसमें जब डाटा आएगा तो पहले यहाँ पे डाटा आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा। लेकिन अगर हम लोग डाटा की एरे की बात करते हैं तो हम उनमें से कोई भी एक डाटा निकाल सकते हैं कभी भी, और कहीं भी डाटा को डाल सकते हैं। लेकिन जब इसको स्टैक के रूप में हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमेशा ये टॉप यानी कि लास्ट वाली जो वैल्यू थी वो पहले निकलेगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो होता है। तो ये स्टैक की क्वालिटी है, और स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे स्टैक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है, और काफ़ी ईजी भी है, इसीलिए काफ़ी यूज होता है। तो स्टैक को समझ आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा स्टैक होता क्या है। तो ये ऐसे स्टैक जो है ऑर्गेनाइज होता है। अगले वीडियो में हम लोग स्टैक के बारे में और बात करेंगे। अगर आपको अभी भी स्टैक समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।